नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा एस्ट्रोलॉजर अपने YouTube चैनल नाइन प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बीमारियाँ, रोग। हमें कोई बीमारी हो जाती है, हर इंसान के अंदर एक डर सताता रहता है कि मुझे कोई बीमारी लाइफ में लंबी तो नहीं होगी, मैं बीमारी से तो नहीं मरूँगा। ये हर इंसान का स्ट्रेस है, हर इंसान इस बारे में ज़रूर सोचता है, क्योंकि हर इंसान छोटी मोटी बीमारियां आती हैं जाती हैं, वो चलती हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, शरीर के पुर्जे हैं, एक मशीनरी है, वो चल रही है तो कभी ख़राब भी होगी, फिर रिपेयर होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई परमानेंट, इसके अंदर कोई परमानेंट डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो हर इंसान चाहता है कि उसको कोई लंबी बीमारी तो नहीं आएगी। तो लंबी बीमारी का हमें कैसे पता चलता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। किसी भी कुंडली में जब भी मैलिफिक प्लैनेट, स्पेशली शनि और राहु का रिलेशन हो, ये युति में हो, दृष्टि संबंध में हो, इसका मतलब है आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे आपको कोई लंबी तकलीफ होगी। वो लंबी बीमारी कुछ भी हो सकती है, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। अब वो बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी, इसका एक अलग रूल है। ये रूल उनको पता है जो कुंडलियाँ देखते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर को पता है। छठे से छठा घर देखिए, छठा घर परेशानी में है, बीमारी आई, छठे से छठा भी परेशानी में है तो बीमारी रहेगी, जाएगी नहीं। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी रूल लागू होता है। अगर छठे से छठा भी परेशानी में है तो बीमारी आई है तो वो रहेगी, ये इंसान को दिक्कतें देती रहेगी। अगर छठे से छठा, सिक्स टू सिक्स परेशानी में नहीं है तो बीमारी आई है, लेकिन वो चली जाएगी, थोड़ा सा परेशान करेगी, जो भी उसका टाइम पीरियड है, जितना उसने टाइम पीरियड लेना है, डिसाइडेड है, वो लेगी, लेकिन वो चली जाएगी। अब हमें ये जानना है कि हमें कोई बीमारी आएगी कि नहीं, ये हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, उसको चेक करवाना पड़ेगा अपने एस्ट्रोलॉजर से, कि वो आपको बता सके कि आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा योग तो नहीं है, आपको कोई लंबी बीमारी का योग तो नहीं है, आपको किसी तरह का ऐसा मतलब परेशानी वाला टाइम की दिक्कत तो नहीं आने वाली। तो आप इसके लिए अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, लंबी बीमारियाँ शनि और राहु देते हैं, ये कन्फर्म है। शनि और राहु दो ऐसे प्लैनेट हैं, ये दोनों दुख का कारण है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दुख को बढ़ा देते हैं। सुख सुख मिलेंगे तो खुशियाँ बढ़ा देंगे, दुख दुख मिलेंगे तो रोना बढ़ा देंगे। तो ये दोनों प्लैनेट दुख का कारण है, शोक का कारण है। शनि आंसुओं का कारण है, राहु एकदम से अचानक आने वाले दुख का कारण है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो लाइफ में परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ में स्टे ही कर जाएगा। मे बी वो टेम्प्रेरी उसका फेस है, वो ट्रांजिट से पता चलता है कि अभी वो प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ पे गोचर कर रहा है। ये एक कुंडली विशेषण को ही पता लगेगा, एक एस्ट्रोलॉजर को पता लगेगा। आप समय समय पे अपनी कुंडली दिखवाइए, जैसे हम अपना बॉडी चेकअप करवाना हमारे लिए अनिवार्य होता है ना 6 महीने बाद, ऐसे अपनी कुंडली दिखाना भी ज़रूरी होता है। ये भी एक हमारा चेकअप ही है एक तरह का, लेकिन हम बॉडी चेकअप के ऊपर बहुत पैसा खर्चा कर लेते हैं, लेकिन हमें एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाना हमें लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं पूछना, ये पैसे खा लेंगे या ये हमें डरा देंगे। आपको सामने वाला बंदा कैसा मिला है ये डिपेंड वैसे करता है, ये आपके कर्मों पर आधारित है। कई बार क्या होता है कि हम किसी दुकान पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने, हमें उस दुकान पर कपड़ा दिया भैया जी ने, और वो कपड़ा 6 महीने बाद या 4 महीने बाद बहुत जल्दी 2 बार पहन के ख़राब हो जाता है। तो हम कहते हैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम एक दुकानदार चेंज करते हैं और हमें उस वहाँ से जो फैब्रिक मिलता है या जो कपड़ा मिलता है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो यहाँ पे किसका कसूर है, दुकानदार को पता है कि उसने किस मटेरियल को रखा हुआ है। अगर वो पैसा ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको क्वालिटी भी ज़्यादा दे रहा है। आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिए, समझिए। आज आप एक PVR में पिक्चर देखने जाते हैं, अगर आप एक मैग्नम लॉन्च में बैठे हैं तो आपको रिक्लाइनर मिलता है, और अगर आप नॉर्मल देखते हैं तो आपको एक
नॉर्मल सीट मिलती है, आप फ्रंट में बैठे हैं तो गर्दन ऊपर करके देख रहे हैं, पीछे बैठे हैं तो नॉर्मल देख रहे हैं, आपने जितना पैसा खर्च किया आपको उसके बदले में उतना रिवॉर्ड मिल जाता है। तो ये एक सिंपल सा सिद्धांत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाइए, वो आपको सही गाइड करेंगे। हर एस्ट्रोलॉजर ज़रूरी नहीं है आपको डराएगा, ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने अभी आपको एक चीज़ बात बोली थी, ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। आपके कर्मों में जब भी कोई अच्छा बंदा आना लिखा होगा वो तभी आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। उससे पहले यही है कि कभी आपको कोई किसी रास्ते पे डालेगा, कभी आपको कोई किसी रास्ते पे डालेगा। लेकिन जब आप एक सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, एक सही रास्ते में, मान लीजिए आपने यहाँ से बॉम्बे जाना है, अगर आप राजधानी पकड़ लेंगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप यही कोई गलत ट्रेन पकड़ेंगे, पहले कहीं उतरेंगे, फिर कहीं से कहीं पहुंचेंगे, कहीं से कहीं पहुंचेंगे, बॉम्बे तो आप पहुंच ही जाएंगे लेकिन बीच में आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। सेम इसी तरह अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे मुश्किलों का सामना करते, लेकिन अगर आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स का फेस थोड़ा कम होगा, थोड़ा छोटा होगा, और गलत एस्ट्रोलॉजर आपको गलत गाइडेंस में आपकी यही प्रॉब्लम का फेस बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये हमें कैसा पता लगेगा कि वो एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं है, तो वो मैं अब आपको कैसे बताऊँ। वो मैं आपको यही बोल सकती हूँ, ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपको किसी की बातों से भी समझ में आ जाता है। सही एस्ट्रोलॉजर का ध्यान होगा, वो आपको सही गाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये आपके कर्मों पे भी आधार है। अगर आपने किसी का पैसा देना है, किसी के साथ आपका कोई लेन देन है, तो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान आपको कभी ना कभी सही प्लेटफॉर्म पे ज़रूर लाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो था आपको रोग से अवगत कराने के लिए कि कैसे देख सकते हैं हम अपनी कुंडली के रोग। आप ज़रूर अपनी कुंडली चेक करवाइए। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।